Hello everyone and welcome to Baat. As you know, Karlobath is our quest to ease all the important legal conceptualities for you, right? So here again I am Sujay Dikshit with another season of Karlobath. So, what is the topic of today's uh, Baat Is we are going to study a concept, right? That what is the difference between monist and dualist state? अब देखिए ये कॉन्सेप्ट भाई ये कर लो बात की जो है ये वीडियो जो है इसमें मोनिस्ट और डुअलिस्ट का सवाल क्यों उठ रहा है देखिए क्लैट में बकायदा ये क्वेश्चन आ चुका है पूरा पैसेज आया था पांच क्वेश्चन क्लैट में मोनिस्ट और डुअलिस्ट पे बेस्ड आ गए अब ये है क्या एक्चुअली देखिए ये है इंटरनेशनल लॉ पे बेस्ड एक कॉन्सेप्चुअलिटी राइट right? तो इंटरनेशनल लॉ के भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअलिटी जो है वो हमें आने चाहिए तो उसी हिसाब से पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट है मोनिस्ट एंड डुअलिस्ट व्हाट आर दी मोनिस्ट स्टेट्स इन दी वर्ल्ड देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेट्स राइट सम आर मोनिस्ट डुअलिस्ट एग्जांपल देता हूं डुअलिस्ट इंडिया इज डुअलिस्ट ठीक है और लेट से बेल्जियम लेट से नीदरलैंड लेट से जर्मनी ये लोग क्या है ट्रीज आर मोनिस्ट स्टेट राइट अब सबसे पहले फंडामेंटल डिफरेंस इसमें देखते हैं कि मोनिस्ट और डोलिस्ट स्टेट में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है देखिए मोनिस्ट और डोलिस्ट में जो सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है वह यह है कि जो मोनिस्ट स्टेट होता है ना उनका इंटरनेशनल लॉ की सारी की गई ट्रीटीज एज यू नो वट आर ट्रीटीज ट्रीटीज आर एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल लॉ तो इंटरनेशनल लॉ में उनके द्वारा एंटर की गई किसी भी ट्रीटी का इनकॉर्पोरेशन उनके लोकल लॉ में ऑटोमेटिकली होता है तो अगर मैं इसको बोलूं तो उनका एग्जीक्यूटिव एक्शन एग्जीक्यूटिव एक्शन क्या है कि एग्जीक्यूटिव गए और ट्रीटी पर साइन करके आए है ना इंटरनेशनली वाया यू एन किसी भी कन्वेंशन में और वापस लौटने के बाद ऑटोमेटिकली वो ट्रीटी उनके लेजिस्लेशन में इनकॉर्पोरेट हो गई आई गेस अब तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि मोनिस्ट में ये सिस्टम ऑटोमेटिक है इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो स्टेट जिस जिस ट्रीटी पर सिग्नेटरी होगा वो वो ट्रीटी लॉ का पार्ट बन जाएगी और जिन जिन जगहों पर जिन जिन ट्रीटीज में स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करेगा या उसका सिग्नेटरी नहीं होगा है ना उसको अवॉइड नहीं करेगा उसको लोकल लॉ में माना नहीं जाएगा लेकिन यह सिस्टम इट्स लाइक ऑटोमेटिक तो देखते एक बार मोनिस्ट अज्यूम दैट इन इंटरनल एंड इंटरनेशनल लीगल सिस्टम इट फॉर्म अ यूनिटी वही बात जो अपन ने करी बोथ नेशनल लीगल रूल्स एंड इंटरनेशनल रूल्स दैट अ स्टेट हैज एक्सेप्टेड फॉर एग्जाम्पल बाय वे ऑफ अ ट्रीटी डिटरमाइन वेदर द एक्शन आर लीगल और इलीगल है ना इन मोस्ट मोनिस्ट स्टेट्स डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ इन दी फॉर्म ऑफ ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल लॉ इज मेड सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज दिसनल लॉ जिसका यह पार्टिसिपेशन इन्होंने नहीं किया है ये उसको डिस्टिंग्विश करेंगे यानी उसको ये मानेंगे नहीं और जिन जिन ट्रीटीज पर इन लोगों ने सिग्नेचर किया है जिनको इन्होंने एक्सेप्ट किया है वो सारी ट्रीटीज ऑटोमेटिकली इनके लॉ का पार्ट बनी है एक और चीज इसके लिए स्पेशली इनको कोई नया लॉ इनेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है कह लो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैसेट है क्यों अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा ये कह मोनिस्ट स्टेट ऐसा ऐसा हुआ इन्होंने इंटरनेशनली वाली ट्रीटी पे सिग्नेटरी बन गई है फिर इनके देश में एक ऐसा मुकदमा आया, ये ये आया। इनकॉर्पोरेट ये 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 करने की जरूरत है या कोर्ट्स तो ऑटोमेटिकली दिया होगा और ऊपर डेटा दिया होगा कि मोनिस्ट और डूलिस्ट में अंतर क्या होता है तो आप आंसर दोगे कि क्योंकि ये तो मोनिस्ट है तो इनको कोई अलग से लेजिस्लेशन इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है ही नहीं ये तो ऑटोमेटिकली इनके लोकल लो का पार्ट है ठीक है अब आते हैं अपन डोलिस्ट पे सी डोलिस्टिस्ट जैसे इंडिया है तो डुअलिस्ट द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ यानी यहां पर नेशनल और इंटरनेशनल लॉ में डिफरेंस होता है एंड रिक्वायर द ट्रांसलेशन ऑफ द लेटर अब ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन ऑफ द लेटर इंटू तो दी फॉर्मल का मतलब क्या है कि आप जो ट्रीटी बाहर सिग्नेटरी हो ना जिस ट्रीटी के उस ट्रीटी को लोकल लॉ लो में इनकॉर्पोरेट करने की आपको जरूरत है यानी आपको फिर से एक लॉ बनाना पड़ेगा इसके ऊपर अपने यहां पर तभी इनकॉर्पोरेट होगी अगर आपने अपने देश में लोकल लॉ नहीं बनाया उसके ऊपर तो वो फिर इनकॉर्पोरेट ट्रीटी नहीं हो सकती लोकल लॉ के अंदर ये है एक डुअलिस्ट स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक ठीक है इफ आई स्टेट एक्सेप्ट अ ट्रीटी साइन करके आ गए है ना एक्सेप्ट कर लिए बट डज नॉट अडेप्ट इट्स नेशनल लॉ इन ऑर्डर टू कंफर्म टू द ट्रीटी अब नेशनल लॉ कंफर्म कैसे करता है ट्रीटी को अगर प्रेजेंट लॉ है तो उसमें वो अमेंडमेंट करेगा ट्रीटी के रिगार्डिंग और अगर प्रेजेंटली लॉ नहीं है तो फिर क्या होगा वो फिर जो है उसके ऊपर एक नया लॉ ही बना देगा राइट जैसे कि जुबिनाइल जस्टिस एक्ट इंडिया में कैसे आया बाय द वे ऑफ ट्रीटी है ना एंड डज नॉट क्रिएट अ नेशनल लॉ एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेटिंग द ट्रीटी दैन इट वॉयलेट्स इंटरनेशनल लॉ तो पहली बात आपने ट्रीटी के सिग्नेटरी आप बन गए आपने नेशनल लॉ में उसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं करा तो पहली बात तो यह इंटरनेशनल लॉ की नजरों में जो है एक इलीगल एक्ट है एक गलत एक्ट है स्टेट के द्वारा राइट एंड वन कैन नॉट क्लेम दैट द ट्रीटी बिकम पार्ट ऑफ नेशनल लॉ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अपन कैसे क्लेम कर ले मतलब एज लेट से इन द कोर्ट वी कैन नॉट यू नो साइट दैट पर्टिकुलर ट्रीटी सो द्वारजन कैन नॉट रिलाई ऑन इट भाई जब तक लॉ नहीं बने एंड जजेस कैन नॉट अप्लाई ठीक है तो अब इसके रिगार्डिंग क्या हो सकता है बाय द वे ऐसा कोई क्वेश्चन आ भाई एक्स वाई जेड इज अ स्टेट और वहां कोई ट्रीटी पे सिग्नेटरी बन के करके सिग्नेटरी है ये फिर आए हैं और अभी तक लोकल लॉ में इनकॉर्पोरेट नहीं करा है तो कोई भी अगर कोई केस है जिसको उस ट्रीटी का फायदा मिलता तो फायदा नहीं मिलेगा है ना सिग्नेटरी होने के बावजूद भी क्योंकि लोकल लॉ में उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ ही नहीं है सो लेट्स से बाय दिस नाउ आई होप दैट द कॉन्सेप्चुअलिटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच सी यू अगेन इन अनादर वीडियो ऑफ कर लो बात थैंक यू